बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिया किचन की जानब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, क्या हाल चाल है? दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टे आलू। जिसके लिए लिए हैं मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। ये इसको मैंने छोटे छोटे, देख सकते हैं अब, छोटे छोटे काट लिए हैं। ये लिए मैंने 4 लिए मैंने सब्ज मिर्च, 2 लिए मैंने प्याज, ये मैंने थोड़ी सी इमली लेके इसका पानी निकाल लिया है, 2 अदद टमाटर है, सब्ज धनिया है। इसके लिए लिए मैंने 1 स्पून लिया है मैंने ये चाय वाला लिया, दूसरा लिया मैंने ज़ीरा, 1 चम्मच लिया है मैंने सुरख मिर्च, 1 चम्मच मैंने लिया है नमक, ये मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, ये लिया मैंने धनिया पाउडर। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। इसमें डालेंगे हम ऑयल। बिस्मिल्लाह। जीरे को हल्का सा ब्राउन करके इसमें डालूंगी मैं ये जो मैंने सुरख मिर्च रखी है, इसमें डालूंगी मैं ये नमक। इसमें इसी में डालेंगे हम आलू। इसमें हम 5 मिनट फ्राई। आलू हमारे हो गए फ्राई। इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। बस आधा ग्लास और डालें, 1.5 गिलास डालेंगे हम इसमें पानी। अब इसको 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छी तरह गल जाए। हो गया तैयार। इसको हम थोड़े थोड़े से मैश कर लेंगे ऐसे। अब देख सकते हैं इसकी थोड़ी थोड़ी सी मैंने ग्रेवी ग्रेवी सी बना ली है इसकी, ये आप देख सकते हैं। इसमें डालूंगी मैं इमली। इसी में डालेंगे हम जो मसाले रखे हुए हैं। ये खट्टे आलू इतने मजे के बनते हैं ना, अब मैं चूल्हा कर दूंगी बंद, इसको करूंगी मैं डिश आउट। इसमें हम डालेंगे, जो मैंने डिश आउट करी इसमें हम डालेंगे जो मैंने सब्ज मिर्च काट कर रखी हुई थी। इसमें हम डालेंगे जो प्याज मैंने रखा हुआ था, कच्चे प्याज और टमाटर के साथ खाएं इतनी मजेदार बनती है ना ये खट्टे आलू बनते हैं। ये और टमाटर मैंने रखे हुए थे। इसको बार बार गर्म ना करें। इसके ऊपर सब्ज धनिया, दोस्तों आप इसको ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल खतीजा किचन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।